और इज़राइल बार जोन से न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। इन मुश्किल हालातों में भी न्यूज 18 की टीम वहां पर डटी हुई है। हमारे संवाददाता नीरज कुमार युद्ध की हर खबर जंग के मैदान से आप तक पहुंचा रहे हैं और इन सबके बीच वहां लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। कल अश्केलोन में न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद थी और वहां जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान सायरन लगातार बज रहे थे और उसी के बाद न्यूज 18 की टीम को एक घर के अंदर बने बंकर में जाकर शरण लेनी पड़ी। सोमवार को भी न्यूज 18 की टीम के पास रॉकेट का हमला हुआ था। वो तस्वीर, वो लाइव अपडेट तब भी हमने आपको दिखाई थी और अश्केलोन में जिस वक्त सायरन की आवाज हो रही थी वो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने कि कैसे वहां के लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच एक घर में बने बंकर के अंदर न्यूज 18 की टीम को भी जाना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। देखिए ये सायरन मिसाइल से पहले बजता है और जब जहां हम खड़े थे वहां मिसाइल गिरा हुआ था। जैसे ही ये सायरन बजा 30 सेकंड के अंदर हमें भागना होता है ताकि सेफ जोन में आ जाए। आप देख सकते हैं यहां जो तमाम लोग हैं ये ऊपर से सेफ जोन में आ गए हैं, हम भी वहां मौजूद थे ताकि आपको कल जो मिसाइल गिरा था उसके बारे में बता सके। लेकिन यहाँ जैसे ही सायरन बजता है लोग ऊपर से नीचे आते हैं सेफ जोन में। बंकर का एरिया है, हम भी वहां खड़े थे, आपने देखा होगा 600 कुल मिसाइल अब तक दागा गया है स्थलों पे और 220 टारगेट पे गिरे हैं। इस घर पे भी नुकसान हुआ है, ऊपर में बगल में 3 कारें जली हुई हैं। इस तरह की स्थिति स्थलों में जो गाजा पट्टी से बहुत नजदीक है। ये इज़राइल के अश्केलोन की तस्वीर आपने देखी जब नीरज वहां पर मौजूद थे और इसके पहले सोमवार को जब जंग की कवरेज नीरज कर रहे थे तो उस वक्त न्यूज 18 की टीम तेल अवीव में थी, वहां पहुंची हुई थी और वहां पर भी एक रॉकेट फट गया था। आसमान से लगातार रॉकेट वहां बरस रहे थे और ऐसे ही एक रॉकेट ठीक उसी जगह पर गिरा जहां न्यूज 18 की टीम मौजूद थी। हालांकि उस धमाके से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था लेकिन आसपास खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए थे।